दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साथ ही साथ आतिशी मालेना भी यहाँ अंजलि के घर पहुँची हैं। कंजावला में जो दरिंदगी हुई है वहाँ पे आतिशी और मनीष सिसोदिया साफ तौर पे आप देख सकते हैं पहुँचे हैं। जिस तरीके से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी, साथ ही साथ जो अंजलि की माँ है वो बेहद बीमार रहती है, उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, तो उनके इलाज का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। साथ ही साथ बड़े से बड़ा वकील करने का आश्वासन भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज वही तीन वादों को उसकी माँ को बताया जाएगा और आश्वस्त किया जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से दरिंदगी का पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में जो पीड़िता का परिवार है वो पूरी तरह से टूट चुका है। माँ की हालत बेहद ख़राब है, रो रो के उनकी आंखों आंसू सूख चुके हैं। तो ऐसे में दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया वो यहाँ पर पहुँचे हैं और माना जा रहा है कि ये तमाम जो वादे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किए हैं उसको पूरी तरीके से आश्वस्त आज माँ से वो कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।